रोमन रेंज स्मैकडाउन के न्यू ईयर वाले एपिसोड में उसोस को क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, किसने 15 टाइटल का रिकॉर्ड ब्रोक कर दिया है, वहीं बात करेंगे 2K23 के पोस्टर को लेकर के, और रॉ के बारे में बात करेंगे वो भी शॉर्ट में, क्या क्या दिखने वाला है हमें आने वाले रॉ के इस एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाइएगा, और हाँ चैनल पे नए हो तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब कल की वीडियो में जिसने भी कमेंट करे वो सब मैंने पढ़े, उनसे मुझे बूस्ट मिला जिनकी जरूरत भी थी, और फिर से यार हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बार फिर से नई वीडियो में। फर्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी हुई है 2K23 से। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि WWE 2K के साथ मिलकर अपनी नई अपकमिंग वीडियो गेम सीरीज 2K23 के लिए काम कर रही है। इसके लिए रिसेंट में ट्रेलर भी शूट होता हुआ दिखाई दिया है, वो भी लॉस एंजलिस में। अब हर साल WWE किसी ना किसी एक सुपरस्टार को 2K गेम के जो सीरीज होती है उसके पोस्टर पे जगह देती है। जैसा कि मैं लास्ट गेम की बात करूं जो कि 2K22 था, उसमें रे मिस्टीरियो को पोस्टर पे जगह मिली थी, लेकिन अब आने वाले 2K23 को लेकर के रूमर्स ऐसे हैं कि इस पोस्टर पे इस साल ब्लड लाइन को जगह मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि वाकई ब्लड लाइन 2K23 के पोस्टर पे दिखाई देते हैं या नहीं, और ये गेम कब रिलीज होता है। शायद फैंस इसका वेट कर ही रहे होंगे जो खेलते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है द बॉस शाशा बैंक से। जैसा कि शाशा बैंक को लेकर के मैंने अपडेट दी थी कि शाशा बैंक्स NJPW के इवेंट रेसल किंगडम में दिखने वाली हैं। अब शाशा बैंक्स को लेकर के रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि शाशा बैंक डन विद WWE। इसका मतलब ये है कि WWE और शाशा बैंक्स के बीच सब कुछ फुल एंड फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी भी शायद फैंस को उम्मीद है कि शाशा बैंक्स WWE में दिखाई दे सकती हैं। वहीं रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि जो अमाउंट WWE शाशा बैंक्स को पे करने के मूड में नहीं थी वो NJPW तो कैसे भी पे नहीं कर सकती है। इसलिए अब रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि हो सकता है कि शाशा बैंक्स आने वाले टाइम में AEW ज्वाइन करती हुई दिखाई दे जाए, क्योंकि AEW शाशा बैंक्स की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर देगी, उसको आसानी से पे भी कर देगी। अब देखते हैं शाशा बैंक्स हमें आने वाले टाइम में कहां दिखाई देती हैं रेसलिंग करती हुई। वहीं बात कर लेते हैं 15 टाइटल रिकॉर्ड तोड़ने वाले के बारे में। जैसा कि रिसेंट में हमें NXT डेडलाइन दिखने को मिली थी, जहां पे हमें प्रीटी डेडली वर्सेस न्यू डे के बीच NXT टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर के मैच दिखा था। इस मैच को न्यू डे ने जीता और वो बन गए न्यू NXT टैग टीम चैंपियन। अब आप इससे पहले आपको बता दूं कि जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन रॉ और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस भी रह चुके हैं, और जैसे ही उन्होंने NXT टैग टीम चैंपियनशिप जीती तो वो ट्रिपल क्राउन चैंपियन हो गए। वहीं इसके साथ साथ कॉफी किंगस्टन जैसे ही NXT टैग टीम चैंपियन बने वो 15 टैग टीम टाइटल जीतने वाले ऐसे सुपरस्टार बन गए जिन्होंने एज और बूकर डी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उनको पीछे छोड़ दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं न्यू डे का एज अ NXT टैग टीम चैंपियन फ्यूचर ये होने वाला है कि वो रेगुलर हमें NXT में दिखाई दिया करेंगे, और रूमर्स ऐसे हैं कि वो रॉ और स्मैकडाउन पे भी दिखाई दिया करेंगे, और हो सकता है कि रॉ और स्मैकडाउन यानी कि मेन रोस्टर ब्रांड में भी वो अपना टैग टीम टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं। जैसा कि आज है मंडे और आने वाला एपिसोड है रॉ का, अब रॉ के एपिसोड में मेन की हाईलाइट पॉइंट्स क्या होंगे उनके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं। जैसा कि आने वाले रॉ के एपिसोड में हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस बेले के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए No. 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलने वाला है। इन दोनों वुमेन्स में से जो जीतेगा वो बियांका बेलेयर को चैलेंज करेगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं इस मैच में कहीं ना कहीं बैकी लिंच का दखल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बेले की हार होती हुई दिखाई दे सकती है इस मैच में, क्योंकि लास्ट वीक हमने बेले और बैकी लिंच के बीच कुछ प्रोमो में एक दूसरे पे काफी टारगेट होता हुआ देखा था, तो ये हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे मैच जीत जाए। वहीं आने वाले रॉ के एपिसोड में हो सकता है कि आस्का हील टर्न ले जाए। लास्ट वीक के एपिसोड की बात करूं तो ट्रिपल थ्रेट मैच में आस्का हमें पिन होती हुई दिखाई नहीं दी, उसके बाद उन्होंने कुछ क्रिप्टिक ट्विटर पे ट्वीट करे जिसमें उन्होंने लिखा था गुड बाय क्रूल वर्ल्ड, और उन्होंने एक फोटो पोस्ट करी थी जिससे पता चल रहा है कि शायद वो अपनी गिमिक चेंज करने के बारे में बात कर रही हैं, तो हो सकता है कि वो हील टर्न लेती हुई दिखाई दे जाए आने वाले एपिसोड में। वहीं लास्ट वीक हमने देखा था कि ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस अली के बीच एक शानदार मैच चल रहा था, तभी अचानक से डॉल्फ जिगलर ने आके ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया था। ऑस्टिन थ्योरी ने उसके बाद डॉल्फ जिगलर और अली दोनों में मार दी थी, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि डॉल्फ जिगलर वर्सेज ऑस्टिन थ्योरी के बीच हमें मैच दिख जाए, नहीं तो डॉल्फ जिगलर वर्सेज अली के बीच हमें मैच देखने को मिल सकता है। वहीं आप लोगों को बता दूं इस वीक होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए WWE ने डैमेज कंट्रोल वर्सेस लिव मॉर्गन टेगान नॉक्स के बीच
वुमेन्स टैग टीम टाइटल को लेके मैच अनाउंस किया हुआ है। इस मैच को हाइप करने से पहले हो सकता है कि आने वाले रॉ के एपिसोड में इन दोनों टैग टीम के बीच हमें तगड़ा ब्रॉल देखने को मिल सकता है, जिससे स्मैकडाउन में जो मैच होने वाला है उसको लेकर के हाइप बनाई जा सके। अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड में होने वाले बड़े मैच की, जो कि बॉबी लैशले वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच दिखने वाला है। ये नंबर वन कंटेंडर मैच है यूएस टाइटल के लिए। बॉबी लैशले और सेथ रॉलिंस में से जो जीतेगा वो ऑस्टिन थ्योरी को चैलेंज करेगा यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए। अब हो सकता है कि इस मैच के दौरान ऑस्टिन थ्योरी का इंटरप्शन देखने को मिले, वो आके हो सकता है बॉबी लैशले या सेथ रॉलिंस दोनों पे अटैक कर दें, फिर ये मैच शायद नो रिजल्ट के साथ एंड हो सकता है। कुछ ना कुछ तो इस मैच में ट्विस्ट जरूर दिखने वाला है। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। जैसा कि रोमन रेंज इस वीक होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न करते हुए हमें दिखाई देंगे, वहीं WWE ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि इस साल का आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड स्पेशल होने वाला है, न्यू ईयर स्पेशल होने वाला है, जिसके लिए WWE ने जॉन सीना की अपीयरेंस भी, यानी कि जॉन सीना का रिटर्न भी अनाउंस कर दिया है। अब आप लोगों को बता दूं, रोमन रेंज भी इस एपिसोड के लिए बुक बताए जा रहे हैं, मतलब कि रोमन रेंज भी 30 दिसंबर 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि रोमन रेंज यहाँ मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे या किसी सेगमेंट में दिखाई देंगे, लेकिन हाँ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि रोमन रेंज 30 दिसंबर 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड में उसोस को न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल की डिजाइन जो है, न्यू टाइटल जो है, वो प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब कि देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मैंने इस तरह के रूमर्स कुछ दिन पहले ही आप लोगों को साथ शेयर करे थे कि WWE जल्दी टैग टीम टाइटल की न्यू डिजाइन रिवील कर सकती है, और उम्मीद करी जा रही है कि वो यही एपिसोड होगा जहां पे WWE रोमन रेंज के थ्रू उसोस को न्यू टैग टीम टाइटल डिजाइन प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि WWE रॉ टैग टीम टाइटल और स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल दोनों का डिजाइन चेंज करता है या दोनों को मिला के एक कर देता है। वैसे मुझे लगता है कि दोनों को मिला के एक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी उसोस इस टाइटल को हारेंगे तो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप रॉ पे और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस स्मैकडाउन पे आएगी, तभी बेहतर है, वरना एक ब्रांड इसके लिए सफर करती हुई दिखाई देगी। तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़े कुछ अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।